नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 30 दिसंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। सीबीएसई ने जारी की अपनी नई गाइडलाइन। सीबीएसई में पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए अहम सूचना। सीबीएसई ने हाल ही में अपना नया गाइडलाइन जारी किया है, जिसके तहत अब सीबीएसई स्कूल में 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए छात्र अपना स्कूल नहीं बदल सकते। यानी कि छात्रों ने जिस स्कूल से 9वीं और 11वीं की पढ़ाई की है, उसी से अब उन्हें 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी देनी होगी। ज्ञात हो, सीबीएसई ने यह कदम उन छात्रों को ध्यान में रखते हुए बनाया है जो कि 9वीं और 11वीं के बाद अपना स्कूल और बोर्ड दोनों बदल देते हैं, जिससे कि स्कूल के साथ साथ बोर्ड को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिजली के बाद अब हर घर में पानी पहुंचाएगी नीतीश सरकार। उक्त बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 5वें चरण के जल जीवन हरियाली यात्रा के दौरान शेखपुरा में एक सभा को संबोधित करने के दौरान कही है। उन्होंने आगे कहा कि शेखपुरा की विरासत को दुनिया जानेगी। मैं लोगों और खासकर की किसानों को आश्वस्त करता हूं कि उन्हें पानी के साथ साथ जल्द से जल्द कम दरों पर बिजली मुहैया करवाई जाएगी। डाकघरों में अब मिलेगी मॉल जैसी सुविधाएं। अगले साल यानी कि साल 2020 में डाकघरों का पूरा लुक बदल दिया जाएगा, जिसकी जानकारी बिहार डाक के मंडलाध्यक्ष अनिल कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान दी है, जिसके तहत अब सभी डाकघर में मॉल जैसा लुक देखने को मिलेगा। जिस तरह से मॉल में सभी सामान मिलते हैं, अब ठीक उसी तरह डाकघरों में भी सभी सामान मिलेंगे। इसके साथ ही नए साल में गया के शेरघाटी में डाकघर का नया भवन भी बनाया जाएगा। रोहतास के पायलट बाबा धाम में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। जिले के सासाराम में पायलट बाबा धाम की खासियत यह है कि यहाँ परिसर में सभी धर्मों को स्थान दिया गया है। आश्रम परिसर में 80 फीट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया गया है, जिसका अनावरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। यहाँ सोमनाथ मंदिर का नजारा देखने के लिए भी भक्तों की भारी भीड़ लगती है। हालांकि ये मंदिर अभी पूर्ण रूप से बना नहीं है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर 110 फीट ऊंची भगवान शिव की अद्भुत प्रतिमा है। इस परिसर में भगवान बुद्ध की बड़ी प्रतिमा के साथ उनके जीवन से जुड़े वाक्यों का चित्रण किया गया है, जो भक्तों का मन मुग्ध कर देती है। फ्लाइंग छात्रों को पकड़ने के लिए अब एडमिट कार्ड पर छात्रों का हस्ताक्षर हुआ अनिवार्य। सीबीएसई ने अगले साल आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षा में एडमिट कार्ड पर प्रधानाध्यापक के साथ साथ छात्रों के हस्ताक्षर को अनिवार्य कर दिया है। सीबीएसई का कहना है कि उसका यह कदम फ्लाइंग छात्रों को अंकित करने में बेहद कारगर साबित होगा। इस बाबत सीबीएसई ने सभी स्कूल को अधिसूचना जारी कर दी है और इस नियम को सख्ती से पालन करने का आदेश भी दिया है। नमी के कारण धीमी हो गई धान की खरीदारी की रफ्तार। ठंड के कारण मौसम में नमी का स्तर बढ़ गया है, जिसका सीधा असर धान की खरीदारी में पड़ने लगा है। हालांकि नमी के बावजूद अभी तक लगभग 150 एमटी धान की खरीदारी की जा चुकी है, मगर अभी भी यह सहकारिता विभाग द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस साल सहकारिता विभाग ने सभी किसानों से 40,000 एमटी धान खरीदने का लक्ष्य तय कर रखा था, मगर बढ़ती ठंड के कारण सब कुछ उलट पलट हो गया है। अब ऐप के माध्यम से किया जाएगा आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन। आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन ICDS और CAS नामक ऐप्स के माध्यम से किया जाएगा, जिसको ऑपरेट करने के लिए अधिकारियों को ICDS कार्यालय में प्रशिक्षण करवाने का काम बीते शनिवार से शुरू कर दिया गया है। मास्टर ट्रेनर्स की माने तो अब इन ऐप के जरिए आंगनबाड़ी सेविकाओं को रजिस्टर से छुटकारा मिल जाएगा। प्रकाश पर्व के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं का हुआ जमावड़ा। राजगीर में आयोजित 3 दिवसीय गुरु नानक साहिब जी के 550वें प्रकाश पर्व पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिला। इतना ही नहीं, इस 3 दिवसीय प्रकाश उत्सव में जवाहर नवोदय विद्यालय के सिख श्रद्धालुओं ने पालकी का भी आयोजन किया था, जिसमें अगल बगल के सिख श्रद्धालुओं के अलावा कई स्कूली छात्रों ने भी हिस्सा लिया था। मौसम विभाग ने बिहार समेत 6 राज्यों में जारी किया नोटिस। बिहार समेत 6 राज्यों में ठंड के असर को बढ़ता देख मौसम विभाग ने नोटिस जारी किया है। इन राज्यों में बिहार के अलावा दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का नाम शामिल है। इतना ही नहीं, ठंड का असर इतना ज्यादा है कि पटना समेत बिहार के लगभग 38 जिलों में ठंड ने पिछले 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। सीके नायडू अंडर 23 में बिहार ने मेघालय को दी मात। सीके नायडू अंडर 23 टूर्नामेंट का आयोजन पटना के ऊर्जा मैदान में किया गया था, जहां पर रविवार को हुए मैच में बिहार ने मेघालय को काफी रनों से हरा दिया है। बिहार और मेघालय के बीच खेले गए इस पारी में बिहार ने मेघालय को 239 रनों से हराकर बड़ी जीत दर्ज की है। आपको बता दें, इस जीत का श्रेय बिहार टीम के सौरभ सिंह को माना जा रहा है। उन्हीं की शानदार गेंदबाजी से बिहार को यह जीत हासिल हुई है। हेमंत सोरेन की अपील के अनुसार लोगों ने भेंट किए पुस्तक। हेमंत सोरेन ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर लिया है, जहां हेमंत सोरेन को शुभकामनाएं देने पहुंचे लोगों ने एक नए अंदाज में उन्हें शुभकामनाएं दी है। शपथ ग्रहण समारोह पर पहुंचे लगभग सभी लोगों ने उन्हें एक एक किताब भेंट के रूप में दिया है। ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि कुछ दिनों पहले हेमंत सोरेन ने शुभकामना देने आने वाले सभी लोगों से आग्रह किया था कि उन्हें किसी भी प्रकार का बुके गिफ्ट ना करें, बल्कि उसकी जगह पर किताब भेंट में दें, ताकि उसे संभालकर जीवन भर अपने पास रख सकें।
लालू यादव ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर कसा तंज। एनआरसी और सीए के मुद्दे के बाद अब केंद्र सरकार द्वारा एनपीआर लागू करने के मुद्दे पर लालू यादव ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। लालू यादव ने कहा है कि जब केंद्र सरकार कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा सबकी गिनती करती है तो अति पिछड़ों की गिनती करने में उन्हें क्या परेशानी है। केंद्र सरकार के लिए तो मुस्लिम बस बहाना है, उन्हें तो दलित पिछड़ों को देश से हटाना है। पीएम पैकेज के 6NH पर फरवरी महीने से होगा काम शुरू। पीएम पैकेज में शामिल बिहार राज्य के 6NH के निर्माण कार्य का काम फरवरी महीने से शुरू हो जाएगा, जिसके लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने 388 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पीएम पैकेज के अंतर्गत राज्य के लगभग 329.72 किलोमीटर की लंबी सड़क को मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा गया, जिसके टेंडर का काम अगले साल जनवरी में पूरा कर लिया जाएगा। तख्त श्री हरि मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ई रिक्शा और बस सेवाएं मुफ्त। राजधानी पटना में गुरु नानक सिंह जी के 353वें प्रकाश पर्व के अवसर पर तख्त श्री हरि मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को मुफ्त में ई रिक्शा और बस की सेवा मुहैया करवाई जाएगी। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं की सहूलत के लिए जिलाधिकारी कुमार रवि ने 15 हेल्प डेस्क का भी उद्घाटन पटना साहिब स्टेशन के समीप किया है। यहां से उन्होंने 50 ई रिक्शा एवं 50 बस सेवा का शुभारंभ किया था। राजद के एक और नेता ने अब जल जीवन हरियाली यात्रा पर कसा तंज। कुछ दिन पहले राजद के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जल जीवन हरियाली यात्रा पर तंज कसा था। इसी क्रम में अब राजद के एक और नेता ने मुख्यमंत्री की इस यात्रा पर तंज कसा है। वृषण पाटिल ने कहा है कि हर घर नल से जल योजना का जो हाल बिहार में हुआ है, वही हाल जल जीवन हरियाली यात्रा का भी होगा। उन्होंने आगे कहा है कि राज्य सरकार वादे तो बहुत अच्छे करती है, लेकिन काम क्या हो रहा है यह हर कोई देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में बिहार के स्कूल की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम का संबोधन किया, जहां पर उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को जातिगत माहौल अस्थिरता से ऊपर सोचने की नसीहत दी है। साथ ही साथ यह भी कहा है कि आज की युवा पीढ़ी परिवारवाद और जातिवाद को पसंद नहीं करती है, बल्कि आज के सिस्टम को फॉलो करती है। वहीं इसी बीच अपने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि बेतिया का केआर स्कूल पश्चिम चंपारण स्थित भैरवगंज में लोगों के लिए बनाए गए हेल्थ सेंटर का संचालन कर रहा है, जिसके लिए पूरा देश उनकी सराहना करता है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शुरू हो गई सीटों की दावेदारी। कुछ ही महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए अब सभी पार्टियों ने अपनी दावेदारी जतानी शुरू कर दी है। सबसे पहला दावा लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के लिए किया है, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी के लिए 119 सीटों की मांग की है। इतना ही नहीं, पार्टी ने इतने सीटों पर खड़े होने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके आगे लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय पासवान ने यह भी कहा है कि आने वाले चुनाव में जितनी सीटों पर राजद अपने प्रत्याशी उतारेगा, उतने ही सीटों पर लोजपा भी चुनावी मैदान में खड़ा रहेगा। 30 को गया पहुंची गिरालोसपा की जागरूकता यात्रा। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए प्रावधानों के विरोध में आवाज उठा रही रालोसपा आज गया पहुंचने वाली है, जिसकी जानकारी रालोसपा के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमांशु पटेल ने दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की अध्यक्षता में शुरू की गई समझो समझाओ जागरूकता यात्रा की शुरुआत चंपारण जिले से की गई थी, जो कि अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता। झारखंड को उसका नया मुख्यमंत्री आधिकारिक तौर पर आखिरकार मिल ही गया है, जिसके लिए हेमंत सोरेन ने कल यानी कि 29 दिसंबर को अपना पदभार संभाल लिया है और बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर लिया है। हेमंत सोरेन के शपथ समारोह में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। राहुल के अलावा इस शपथ समारोह में ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। बिग बॉस के घर में सफाई करते दिखे सलमान खान। बिग बॉस सीजन 13 में इस बार बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। पहले इस शो के फॉर्मेट में 5 सप्ताह का इजाफा कर दिया गया था और अब सलमान खुद ही घर के अंदर आकर खुद से किचन और टॉयलेट को साफ करते दिखाई दिए। दरअसल इस सप्ताह सना की कैप्टनसी में कोई भी घर वाला उनकी सफाई में मदद नहीं कर रहा था और न ही कोई काम करने के लिए मान रहा था, जिसको देखते हुए सलमान ने घर के अंदर एंट्री ली और सफाई का काम संभाला। धोनी के संन्यास पर बोले गांगुली, कहा धोनी ने की होगी विराट से बात। 2019 विश्व कप के बाद से भारतीय टीम से एवं क्रिकेट से दूर रह रहे पूर्व कप्तान एमएस धोनी की भविष्य की योजनाओं को हर कोई जानना चाहता है। इसी कड़ी में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली से एक कार्यक्रम में धोनी से जुड़ा सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि धोनी ने निश्चित तौर पर भारत के कप्तान विराट कोहली और चयनकर्ताओं के साथ अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में बात की होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इस बारे में चर्चा करने का यह सही मंच है। आइए बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। अब बिहार के कई जिलों में कोहरे का असर दिखने लगा है, ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, अरवल, सारण, दरभंगा, गया, शेखपुरा, सीतामढ़ी, कटिहार, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा में हल्की धूप के साथ ही पछुआ हवा के कारण मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा तो कहीं कहीं बादलों का आना जाना भी लगा रहेगा। तो वहीं औरंगाबाद, भोजपुर, छपरा, बक्सर, ईस्ट चंपारण, जमुई, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, जहानाबाद, शिवहर में मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा, मगर कई जगहों पर बादल भी छाएंगे तो वहीं कोहरे का प्रभाव भी देखने को मिलेगा।
अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव इस कड़ाके की ठंड में। आइए जानते हैं सराफा बाजार कितना ठंडा या गर्म रहा। सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 29 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 38,150 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 40,110 रुपए था। यानी कि सोना पिछले दिनों के मुकाबले कल ज्यादा गर्म रहा। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 50,000 रुपए था। यानी कि साफ तौर पर चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 79.55 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 72.32 रुपए प्रति लीटर था। शेखपुरा पहुंचे मुख्यमंत्री ने जलाशय का लिया जायजा। अपने जल जीवन हरियाली यात्रा के पांचवें और आखिरी चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शेखपुरा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही साथ शेखपुरा में उन्होंने गंगाजल उद्वय योजना के तहत घोड़ा कटोरा के पास प्रस्तावित जलाशय निर्माण स्थल का एरियल सर्वे भी किया। संजय जायसवाल ने राहुल गांधी पर कसा तंज। पिछले कुछ दिनों में देश भर में CAA और NRC को लेकर हर मोर्चे पर विरोध जारी है। इसी क्रम में अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नागरिकता संशोधन विधेयक और NRC को लेकर देश भर में जारी विरोध पर राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी भारत में फूट डालो राज करो की विदेश नीति अपना रहे हैं, और करे भी क्यों ना, जिसकी माँ विदेशी हो उसकी सोच भी तो विदेशी होगी ना। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। ICC T20 विश्व कप 2020 में आप धोनी को खेलते देखना चाहते हैं या नहीं? कृपया अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये हमारा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।